हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना बहुत ही इजी सा वीकली हेयर केयर रूटीन। एक रिक्वेस्ट भी आई थी कुछ टाइम पहले कि अपना हेयर केयर रूटीन बताइए, तो मैंने बोला था जब एक नया चैनल स्टार्ट करूँगी तो उस पर बताऊँगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा अपना हेयर मसाज ऑयल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं लूँगी 1 चम्मच ऑर्गेनिक अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल, या फिर इसे आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कह सकते हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा वर्जिन आलमंड ऑयल। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही इसमें लूँगी मैं बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग 1/4 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आप आधे चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा कम ले रही हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम है। कैस्टर ऑयल से मसाज करने से बाल थोड़े ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, तो इसीलिए गर्मियों में मैं थोड़ा कैस्टर ऑयल कम यूज़ करती हूँ। और साथ ही एक पूरी कैप्सूल लेंगे, लगभग 5 से 6 ड्रॉप विटामिन ई की। बस इतना ही करना है, इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। और 15 सेकंड के लिए मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ। बस ऑयल को हल्का गुनगुना करना है। आप इसे डबल बॉयलर मेथड से या फिर ऑयल वार्मर में भी गर्म कर सकते हैं। मैं मोस्टली मसाज करने के पहले या फिर बाल धोने के पहले इंश्योर कर लेती हूँ कि मेरे बाल के सारे नॉट्स निकल गए, ताकि हेयर को मैं अच्छे से मसाज कर सकूँ अपने बालों में। और साथ ही बाल धोने के पहले तो नॉट्स ज़रूर ही निकाल लें, वरना उससे भी बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं अगर आप बगैर नॉट्स निकाले बाल धोते हैं। तो इस तरह से बालों की पार्टीशन करके ऑयलिंग करेंगे हम बालों की। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो कॉटन लिया हुआ है, और बस कॉटन को डिप करना है और हल्का सा प्रेस करते हुए पूरे बालों में लगा लेना है, और उसके बाद फिर मसाज करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। और उंगलियों को सर्कुलर मोशन में चलाते हुए मसाज करना है। मसाज के स्टेप्स मैं आपको बाद में कभी दूसरे वीडियो में बता दूँगी। तो यही होता है मेरा मोस्टली वीकली एक जो रूटीन मेरे हेयर केयर का है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं कर पाती, लेकिन हाँ बीच बीच में अलग अलग चीज़ें भी करती रहती हूँ, वो भी आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। तो लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो वीकली, इन 3 ऑयल्स को विटामिन ई के साथ मिक्स करके अगर मसाज करते हो 15 से 20 मिनट, और उसके बाद ओवरनाइट या फिर मिनिमम 2 आवर्स आपको बालों में ऑयल लगा रहने देना है। उसके बाद फिर आप जिस शैम्पू से भी बाल को वॉश करते हो वॉश कर लो, और कंडीशनर लगाना बिल्कुल ना भूलें। एक और ज़रूरी बात कि रूट्स की मसाज करने के बाद थोड़ा सा ऑयल आप अपने पूरे बालों की लेंथ में भी ज़रूर लगाएं। इससे आपके बाल शाइनी भी होंगे, रफ़ नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, फ्रिजी नहीं होंगे, और ज़्यादा उलझेंगे भी नहीं। इस तरह से ऑयल लगाने से बालों में थोड़ी ज़्यादा शैम्पू लगते हैं इसको क्लीन करने के लिए, और साथ ही थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन लिख के ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।